दोस्तों, रिमझिम बारिश और सर्द हवाओं के साथ ग्रीष्म ऋतु की विदाई और शीत ऋतु का आगमन हो रहा है। दोस्तों, यह वीडियो में ग्रीष्म ऋतु की विदाई और शीत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में नहीं बना रहा हूं, बल्कि गुड न्यूज ये है कि प्रदेश के सभी हाई स्कूल में लगभग 19,000 के आसपास नियमित शिक्षक की बहाली होने वाली है। संभावना है कि 25 अक्टूबर तक पदवर्ग समिति को नियुक्ति का यह प्रस्ताव सौंप दिया जाएगा। पदवर्ग समिति स्कूलों की संख्या और उनमें रिक्त पदों का आकलन करते हुए नियुक्ति प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर सरकार को भेजेगी। इसके उपरांत मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित होगा। पिछले महीने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की बड़ी संख्या में पद रिक्त होने का मामला उठा था। शिक्षक व स्नातक क्षेत्र के पार्षदों के साथ बैठक के दौरान उत्क्रमित उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी का मामला केदारनाथ पांडे ने उठाया था, जिस पर मंत्री ने बैठक में आश्वासन दिया था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अब तक करीब 19,500 पद रिक्त रहने की जानकारी जिले से प्राप्त की है। जिलावार रिक्ति की जानकारी मिलने के बाद निदेशालय अब इसे पदवर्ग समिति को भेजने की तैयारी में है। पदवर्ग समिति की बैठक 25 अक्टूबर के बाद संभावित है। इसके बाद शिक्षा विभाग नवंबर महीने के मध्य तक नियुक्ति का कैलेंडर और विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जान लिया कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय व 10+2 के विद्यालयों में 19,000 नियमित शिक्षक की बहाली होने वाली है। वैसे अभ्यर्थी जो इन बहाली की प्रक्रिया में अर्हता रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।